नमस्कार इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यू ट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है हमने पिछली लर्निंग वीडियो में इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टोर के एनालिसिस के बारे में जाना था आज इस लर्निंग वीडियो में इंडक्शन मोटर में पुल आउट या मैग्जिम टोर को एनालाइज किया जाएगा हम टॉर्क स्लिप करेक्टरस्टिक को डिराइव करके करेक्टरस्टिक पे सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशन को समझेंगे मैग्जिम या पुल आउट टोर का डेरिवेशन किया जाएगा और जानेंगे वो कौन से फैक्टर हैं जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू को डिसाइड करते हैं और एक स्लिपरिंग मोटर में रोटर रेजिस्टेंस बदलने से मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यूज में क्या अंतर आता है उसे समझेंगे और हम ये भी जानेंगे किसी एक स्लिप का टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के साथ मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप का क्या रिलेशन है जो परीक्षाओं में भी काफी पूछा जाता है शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन इन इंडक्शन मोटर एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक को प्राप्त करने का या अलग अलग स्लिप पे टॉर्क की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है उसे समझने का सबसे सरल तरीका उस इक्वलेंट रोटर सर्किट मॉडल का इस्तेमाल करना है जिसमें रोटर सर्किट में इंड्यूस करंट की फ्रीक्वेंसी को स्लिप फ्रीक्वेंसी के बजाय स्टेटर को दी गई मेन पावर सप्लाई के बराबर रेफर कर दिया गया है हमें समझ है कि स्टेटर और रोटर के बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण रुकी हुई अवस्था में रोटर में अगर परफेज

करंट को अगर हम रोटर इंड्यूस्ड ई में रोटर सर्किट के इम्पीडेंस का डिवीजन करके निकालें तो ये जो स्वरूप है उसमें अगर और डिनोमिनेटर दोनों में एस का डिवीजन कर देते हैं तो करंट का फॉर्मेट एक नया रूप ले लेगा और इस नए रूप के सर्किट मॉडल में हम पा रहे हैं कि हमारे रोटर सर्किट में फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी के बजाय मेन पावर सप्लाई स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो गई है और इस सर्किट में करंट तो इनवेरियंट रहा है लेकिन वोल्टेज का मान एस जो काफी कम है उसकी तुलना में ई नोट काफी ज्यादा हो गया है पावर की इंक्रीज वैल्यू बता रही है कि सर्किट में जो बदला हुआ रजिस्टेंस है वो पर फेज कॉपर लॉस के साथ साथ जो मैकेनिकल आउटपुट थी जो पिछले सर्किट मॉडल में बाहर निकल रही थी वो यहां इंटरनली अकोमोडेट हो गई है इसे हम यूं भी समझ सकते हैं इस बदले हुए सर्किट में ये जो रजिस्टेंस आर टू बाई एस है इस रजिस्टेंस में तीनों फेज में जो पावर इनपुट है वो वो पावर है जो स्टेटर से रोटर को एयर गैप क्रॉस करके इनपुट के बतौर पे प्राप्त हुई है और इस पावर को हम एयर गैप पावर पीजी गैप पावर कहते हैं और अगर ये गैप पावर सारी के सारी मैकेनिकल वेलोसिटीज में कन्वर्ट हो जाती तो टॉर्क बनाते समय हमारी मोटर स्पीड पे चलती और एयर गैप पावर में सिंकोनस एंगुलर वेलोसिटी का का करके हम टॉर्क एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं रोटर सर्किट के करंट और स्लिप के साथ जो टॉर्क का रिलेशन रोटर रेजिस्टेंस के साथ प्राप्त हुआ है वो एक बहुत यूजफुल मैथमेटिकल रिलेशन है अगर हम रोटर करंट और स्टेटर करंट को प्रोपोर्शनल मान लेते हैं तो मोटर के दो अलग अलग स्लिप पे जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है अगर स्टेटर करंट हमें मालूम हो या स्टेटर करंट का रेशो हमें मालूम हो तो हम टोर का रेशो प्राप्त कर सकते हैं तो एक स्लिप से दूसरी स्लिप पे अगर स्टेटर करंट का रेशो मालूम है तो हम टोर की कैलकुलेशन इस मैथमेटिकल रिलेशन से कर सकते हैं या रोटर सर्किट के सर्किट मॉडल में करंट को स्लिप फ्रिक्वेंसी की रोटर इंड्यूस्ड ई और स्लिप फ्रीक्वेंसी पे रोटर इंपीडेंस के डिविजन से निकाल सकते हैं करंट के स्क्वायर की जगह ये

रिजल्टेंट फ्लक्स पे डिपेंड करता है और हमारा फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है तो हम कह सकते हैं कि E2 अगर सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल मान लिया जावे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K- की बजाय हम K कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा टॉर्क का रिलेशन एक नए फॉर्मेट में सप्लाई वोल्टेज स्लिप के साथ रोटर सर्किट के रजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में जो चरण प्रतिगत एक्स टू है उसके साथ ये ब्लू फ्रेम फॉर्मेट प्राप्त कर लेगा तो हमने टॉर्क और स्लिप के साथ स्टेटर सप्लाई वोल्टेज रोटर रेजिस्टेंस और रोटर का रुकी हुई अवस्था में जो लीकेज रिएक्टेंस है उसके साथ टॉर्क और स्लिप का ये मैथमेटिकल रिलेशन प्राप्त कर लिया है और इस मैथमेटिकल रिलेशन को एक करेक्टरिस्टिक में हम टॉर्क और स्लिप के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक कहते हैं जो किसी दिए हुए रोटर रजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के क्षरण प्रतिघात पे अलग अलग स्लिप पे टॉर्क की क्या मैग्निट हो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है और स्लिप वन पे स्टार्ट कंडीशन पे जो टॉर्क बन रहा है वो एक इनिशियल डिप पुलअप टॉर्क के बाद एक रेक्टेंगल हाइपरबोला के रूप में जब स्पीड बढ़ती है और स्लिप घटती है तो बढ़ता है अगर एक मोटर मोटर पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग के दौरान जो टॉर्क टॉर्क की नीड है है वो अगर पुल अप से कम है, तो हमारी इस अनस्टेबल पोर्शन को क्रॉस करके जो रेड हाईलाइट में लीनियर कैरेक्टरिस्टिक टॉर्क और स्लिप के बीच में प्राप्त हो रही है जिसमें स्लिप बढ़ने से टॉर्क बढ़ता है और सोना स्पीड से मैक्सिमम टॉर्क की या ब्रेकडाउन टॉर्क के बीच में इस जोन में वो अलग अलग टॉर्क डिमांड के दौरान अलग अलग स्लिप पे ऑपरेट हो सकती है अगर लोड टॉर्क नेग्लिजिबल है नो no लोड जैसी कंडीशन पे है तो हाँ इंडक्शन मोटर सिर्फ मैकेनिकल फ्रिक्शन विंडेज लॉसेज बनाती हुई आधा परसेंट से भी कम स्लिप पे ऑलमोस्ट सिंकोन स्पीड के पास बहुत कम टॉर्क बनाती हुई ऑपरेट होगी और अगर उस पे मकेनिकल लोड टॉर्क बढ़ता है तो वो पहले से कम स्पीड ज्यादा स्लिप पे अधिक टॉर्क बना के ऑपरेट होगी एक इंडक्शन मोटर के कंटिन्यूस लगातार नॉन स्टॉप फुल लोड पे ऑपरेशन के दौरान जो सभी तरह के फिक्स्ड वेरिएबल और स्ट्रे लॉसेज होते हैं उनकी हीट जो टेम्परेचर राइज बनाती है वो भी सेफ लिमिट में बनी रहती है तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर का सकती है सभी इंडक्शन मोटर को हल्की मात्रा में शॉर्ट ड्यूरेशन पे हम ओवरलोड भी कर सकते हैं और वो ब्रेकडाउन टॉर्क जितने टॉर्क तक ओवरलोड होते हुए पहले से ज्यादा स्लिप पे ऑपरेट हो सकती हैं लेकिन अगर किसी इंडक्शन मोटर पे आप ब्रेकडाउन टॉर्क से भी ज्यादा मैकेनिकल टॉर्क इंपोज कर देंगे तो वो कंडीशन में या स्टाल कंडीशन में रुक जाएगी एक इंडक्शन मोटर को फुल लोड से ज्यादा और ब्रेकडाउन टॉर्क तक की लिमिट के बीच के मैकेनिकल लोड टॉर्क कंडीशन के लिए भी ओवरलोडेड ऑपरेट किया जा सकता है लेकिन इन ओवरलोडेड कंडीशन पे रोटर और स्टेटर दोनों में करंट का मान एक्सेसिव ज्यादा होने से जो वेरिएबल कॉपर लॉसेज हैं उनकी हीटिंग से टेम्परेचर राइज मोटर की सेफ वर्किंग टेम्परेचर लिमिट्स को क्रॉस करके मोटर को डैमेज कर सकती है तो हमें मोटर का जो ओवरलोडेड ऑपरेशन है उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए एक मोटर छोटे 10 या 20 परसेंट ओवरलोड पे कुछ मिनट्स तक सेफ ऑपरेट हो सकती है लेकिन अगर हम एक्सेसिव ओवरलोड करते हैं या ओवरलोड की ड्यूरेशन लंबी रहती है तो मोटर की टेम्परेचर राइज क्रॉस होने से वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज होकर मोटर को नुकसान पहुंचा सकता है तो एक मोटर को हम नो no लोड से मैक्सिमम टॉर्क के इस स्टेबल पोर्शन में ही अलग अलग टॉर्क कंडीशंस में ऑपरेट कर सकते हैं वो इस पोर्शन पोर्शन में जो इनिशियल कम स्पीड का है उसमें अनस्टेबल कंडीशंस रखती हैं तो अगर लोड ब्रेकडाउन टॉर्क से ज्यादा होगा तो वो रुक जाएगी एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्पीड के बीच में जो करेक्टरिस्टिक रिलेशन है वो रोटर के इक्वल एंड सर्किट मॉडल में जो पैरामीटर है रोटर रजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस उसके रिए वा, हमारी सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है अगर रोटर के सर्किट पैरामीटर फिक्स फिक्स हैं और सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी है तो हमारी इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर रिलेशन पे डिपेंड करेगा और स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क और किसी भी स्पीड पे टॉर्क की वैल्यू सप्लाई के स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होगी तो अगर हम सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हो जाएगा इसी तरह से मैक्सिमम जो पुल आउट टॉर्क मोटर किसी वोल्टेज पे बनाएगी वो भी वोल्टेज की स्क्वायर रिलेशन के अनुसार होगा लेकिन जिस स्लिप या, या किसी पे की, जैसे ही ये जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी वोल्टेज के चेंज के साथ बहुत सेंसेटिव तरीके से चेंज होता है यहाँ ये जो डार्क ब्लैक कर्व है ये नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पे इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेटरिस्टिक इस ब्रेकडाउन टॉर्क वैल्यू को बता रही है और अगर हम सप्लाई वोल्टेज को 10% परसेंट रिड्यूस कर देते हैं तो ये कम हो गया है इसका अर्थ हुआ की अगर हमारी सप्लाई लाइन वोल्टेज कम हो जाती है तो जो मोटर मैक्सिमम टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज रखती है वो भी बहुत सेंसिटिव तरीके से स्क्वायर प्रपोशनल रिलेशन की जैसे कम हो जाएगी और ऐसी स्थितियों में जो मोटर पे मोमेंट्री ओवरलोड है या इवन फुल लोड है वो भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और मोटर स्टॉल हो जाएगी रुक जाएगी अलग अलग स्लिप वैल्यूज पे एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है और वहीं इसकी वैल्यू रोटर के परफेज रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में जो लीकेज रिएक्टेंस है उस पर डिपेंड करती है और ये हमारा टॉर्क और स्लिप का रिलेशन हो गया है इस रिलेशन में जो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन है उसी को हम ब्रेकडाउन टॉर्क कहते हैं

मोटर को कंटिन्यूस चला सकते हैं लेकिन फुल लोड से ज्यादा लोड पे मोटर को ओवरलोडेड कंडीशन पे ज्यादा समय तक चलाना या ज्यादा ओवरलोड पे चलाने से मोटर में डैमेज भी हो सकते हैं हालांकि कुछ क्षण के लिए हम मोटर पे ब्रेकडाउन टॉर्क जितना टॉर्क भी इंपोज कर सकते हैं गणित की भाषा में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को पता करने के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है प्रथम अवकलन आता है उसे जीरो रखने पर जो स्थितियां आती हैं वो हमारे वेरिएबल मैथमेटिकल क्वांटिटी की मैग्जिम वैल्यू की कंडीशन आ जाती हैं तो अगर हमें इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन निकालनी है तो हमें मालूम है कि जो टॉर्क है वो सप्लाई वोल्टेज और रोटर सर्किट के पैरामीटर रोटर में परफेज रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस के साथ स्लिप का पैरामीटर है और स्लिप बदलने पर अलग अलग स्लिप पे टॉर्क की अलग अलग वैल्यूज होंगी तो हम इस एक्सप्रेशन को जिसे हमने यू सिंप्लीफाई कर दिया है उसे स्लिप के साथ

समेशन को डिफरेंशिएट करते हैं स्लिप के साथ तो यहाँ पहले फंक्शन में स्लिप नहीं है दूसरा जब स्लिप के साथ डिफरेंशियट किया जाएगा तो वो एस स्क्वायर का डिफरेंशियन टू एस और ये एक्स टू स्क्वायर रूप ले लेगा बाहर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है इसी तरह माइनस साइन के बाद जो चीज बाहर है और अंदर यहाँ एस आर टू का जब एस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आर टू हो जाएगा तो ये जो स्वरूप है वो हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो की कंडीशन हो गई है इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पहला फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के साथ टू एस स्क्वायर

डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और अगर रोटर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हम एक हायर स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पाएंगे और अगर रोटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो हमें कम स्लिप पे ही मैक्सिमम टॉर्क की टॉर्डीशन प्राप्त हो जाएगी एक इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप को हम रोटर रजिस्टेंस फेज वैल्यू आती है उसे बदलकर बदल सकते हैं और अगर हम रोटर रजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं और उसे आर से आर टू डैश डबल डैश या आर की ऐसी वैल्यू कर देते हैं कि वो रुकी हुई लीकेज रिएक्टेंस के वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम देख रहे हैं कि टॉर्क लगातार बढ़ रहा है और इस कंडीशन में जब रोटर रेजिस्टेंस पर फेज रुकी हुई के रिएक्टेंस के बराबर हो गया तो स्टार्टिंग में ही हमें तो हम ज्यादा वैल्यू को प्राप्त कर लेती है अगर मोटर का लीकेज है सप्लाई वोल्टेज फिक्स है तो रोटर रजिस्टेंस बदलने से स्लिप तो बदली जा सकती है जिसपे मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम रहती है हम एक स्लिप मोटर में बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के पर फेज रोटर रेजिस्टेंस को बदल के स्लिप को बदल सकते हैं। और ऐसे बदलाव से न कंडीशन को, 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 साथ साथ को बदल के जो हमारा स्टेबल पोर्शन है टोर्सिप करेक्टर का लीनियर पोर्शन जो सिंकोन स्पीड के पास वाला जोन है उसे भी हम बदल सकते हैं और ऐसा बदलाव करके हम मैक्सिमम टॉर्क को अपनी चाहिए स्पीड या स्लिप पे तो प्राप्त कर ही सकते हैं एक ही टॉर्क के लिए हम अलग अलग स्पीड या स्लिप का भी कंडीशंस स्पीड कंट्रोल की प्राप्त कर सकते हैं अगर एक स्लिपरिंग मोटर में अलग अलग एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस लगा के पर -फेज वैल्यू रोटर रेजिस्टेंस की अगर हम बदलते हैं तो ये जो काली रेखा है वो सबसे कम रोटर रेजिस्टेंस के साथ जब ड्रॉ की जाती है तो वो कम वैल्यू के स्टार्टिंग टोर के साथ और कम स्लिप पे ज्यादा स्पीड पे मैक्सिमम टोर की कंडीशन ला देती है और अगर हम इस रोटर रेजिस्टेंस को मीडियम

टू की जगह पे इस एक्सप्रेशन में एस एम एक्स टू प्रोडक्ट रख देते हैं यहाँ न्यूमेरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क और किसी भी स्लिप के टॉर्क का जो रेशियो है उसमें एक्स टू स्क्वायर कॉमन आ गया है और नीचे और ऊपर एक्स टू स्क्वायर कॉमन कट जाएगा और ये एस एम स्क्वायर और एस स्क्वायर और यहाँ डिनोमिनेटर में टू एस एस एम ये रूप आ गया है तो अगर हमें किसी एक स्लिप जिसकी वैल्यू मालूम है उस उसपे टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के स्लिप में वैल्यूज अगर मालूम हो तो हम किसी स्लिप एस के टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रिशो निकाल सकते हैं और इन दोनों में से एक टॉर्क मालूम हो तो दूसरी टॉर्क की वैल्यू भी इस यूजफुल रिलेशन से न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं परीक्षाओं में ये जो डेरिवेशन है वो भी डिराइव किया जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस भी पूछी जाती है तो ये परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन हो गया है और इसी एक्सप्रेशन में अगर स्लिप का मान में एक रख देता हूं तो मैं स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के रिलेशन को भी वन प्लस एस एम स्क्वायर अपॉन टू एस एम रूप से कैलकुलेट कर सकता हूँ और इसे भी किसी न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर सकता हूँ उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से इंडक्शन मोटर में पुल आउट या मैक्सिमम टॉर्क किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उस एनालिसिस से ये भी समझ में आ गया होगा की हम रोटर रजिस्टेंस बदल के वो स्लिप जिसपे मैक्सिमम टॉर्क आता है उसे तो बदल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू नहीं बदलती है अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से इस विषय के स्टडी नोट्स प्राप्त करने हो तो YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा आप अच्छा पढ़ें तरक्की करें हैव नाइस टाइम थैंक यू वेरी मच